वेलकम टू जीएससी का मैं गणेश सर। आज मैं आपको रेशियो पार्ट थर्ड वीडियो लेकर का। इससे पहले मैं आपको पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो में थ्योरी बताया गया था कि क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं, कैसे इसको बैलेंस करते हैं, फर्स्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकंड रेशियो कैसे निकालते हैं, थर्ड रेशियो कैसे निकालते हैं, फोर्थ रेशियो कैसे निकालते हैं, और टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर वीडियो करके आपको बैलेंस करने के तरीका बताया गया है। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा पिछले वीडियो को तो जरूर देखें, तभी आपको ये क्वेश्चंस, आपको पार्ट थर्ड का वीडियो का क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा समझ पाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पर, ज्यादा समय न लेते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा हो कि ए अनुपात बी 3:4 तथा बी अनुपात सी 5:6 हो, तो ए अनुपात सी का वैल्यू निकाले, तो कैसे निकालेंगे? तो क्वेश्चन में आपका वैल्यू क्या दिया, ए अनुपात बी दिया हुआ 3:4, बी अनुपात सी दिया हुआ 5:6, और क्वेश्चन हम पूछा ए अनुपात सी। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन बोलता है तो ए बी सी का मान निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ए बी सी, ये तीनों का वैल्यू निकालते हैं। तीनों का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ए बी सी, तो आपको दिखाई दे रहा हूँ कि यहाँ बी का मान 4, यहाँ बी का मान 5, तो क्या करते हैं इसमें 5 से गुना, इसका बी गुना इसमें, और इसका बी का गुना इसमें, आपको पार्ट वन वीडियो में बताया गया था। तो गुना कर देंगे तो 5 × 6 = 20 हो जाएगा, और 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 5 × 6 = 20, 6 × 6 = 24, इस तरह से बैलेंस हो गया। तो क्या लिखा जाएगा, 15, 20, 24, एबीसी का मान, क्योंकि 20 दोनों में सेम सेम हो गया, बी का मान अभी कट सकता है तो काट सकते हैं, तो ये नहीं कटेगा तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन पूछा ए अनुपात सी का मान, तो अनुपात सी, तो ए का मान कितना हो जाएगा 15, सी का मान कितना हो जाएगा 24, ये कट सकता है, 5:8, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर, समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन कहते हैं ए बटा 3 बराबर बी बटा 4 बराबर सी बटा 5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाले। तो आपको बैलेंस करने के लिए रेशियो पार्ट वन वीडियो में, पार्ट टू वीडियो में बताया गया था कि जब बराबर के केस में बटा हो, जब बराबर के केस में बटा हो तो उसका मान वही हो जाता है। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 3:4:5, ए का मान 3, बी का मान 4, सी का मान 5, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपका, तीसरा क्वेश्चन क्या कहा था, तो तीसरा क्वेश्चन कहता है ए का 30%, कितना कहता है, ए का 30%, तो क्या लिखा है, ए गुने 30/100, बी का 0.25, तो बी गुने पॉइंट अगर हटेगा तो क्या हो जाएगा 25/100, सी गुने 1/5 होगा, सी गुने 1/5, ये 25/100 काट सकते हैं, ये 0 से 0 काट सकते हैं, तो आपको आ रहा होगा 3a/10 बराबर b/4 बराबर c/5। अब ध्यान दे रहा था आपको थ्योरी बताया गया, जस्ट ए बटा 3, यहाँ पर अगर ये 3 ना रहता सपोज, तो ए का मान 10, बी का मान 4, सी का मान 5 हो जाता, लेकिन यहाँ पर मान में दिया नहीं गया है, तो क्या कर सकते हैं हम, ये 3 को हटाने का प्रयास करते हैं, कि 3 अगर हट जाता है किसी प्रकार से तो इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। कैसे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 3 से गुना करेंगे और 3 से यहाँ भी गुना करेंगे, मान में कोई फर्क नहीं होगा, 3 से 3 कट जाएगा, ऐसा क्यों करें, ये आपस में ऊपर का 3 और 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ भी 3 से गुना कर देते हैं और यहाँ भी 3 से गुना कर देते हैं, तो क्या ऊपर का 3 से 3 बराबर में कटता है, ऊपर में बराबर से बराबर कटता है, तो ए का मान कितना 10, बी का मान 4 × 3 = 12, सी का मान कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए का मान 10, बी का मान 12, सी का मान 15, ये आपका क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, ए बी सी 4, 7, 11, बी सी डी 21, 33, 44 है, तो कहते हैं यहाँ देखिए, तो बी का मान 7, यहाँ बी का मान 21 है, यहाँ सी का मान 11 है, लेकिन यहाँ सी का मान कितना 44 है, ये दोनों में आपको यहाँ बी और सी को दिखाई दे रहा होगा, आपका कॉमन क्या चीज, यहाँ बी सी और यहाँ बी सी मिल रहा है, यहाँ 7 है तो यहाँ 33 है, 21 है, बी सी बोल रहा है, बताया जा रहा है, तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे इस मान में, तो क्या वापस में बराबर हो जाएगा, 7 × 3 = 11, 3 × 3 = 33, देखा जाए 4 × 3 = 12, 7 × 3 = 21, 11 × 3 = 33, बैलेंस हो जाएगी। आप इस तरह से आपको 21, 33, 21, 33 मिल गया बी और सी, तो आप क्या कहो, ए का मान 12, बी का मान 21, सी का मान 33, और डी का मान तो आपका कुछ नहीं कहना है, 44 आंसर हो जाएगी आपका, सही बिल्कुल आ रहा है। और ये क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, आपको एक्स का मान वाई और वाई का मान दिया हुआ, यहाँ मान रख करके आपको क्या करना है, कैलकुलेशन कर लेना, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, एक्स का मान ये हो जाएगा और वाई का मान ये हो जाएगा, यहाँ मान रख दीजिए और आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, वीडियो को लास्ट तक देखें, हर एक क्वेश्चन को बताया जाएगा बहुत ही आसान तरीके से, इसके आगे और भी वीडियो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को बताया जाएगा। अब यहाँ ए अनुपात बी 3:5, बी अनुपात सी, यहाँ दिखाई दे रहा है कि बी का मान 4 है, यहाँ भी बी का मान 4 है, तो क्या करेंगे हम इसको बैलेंस करने का कोशिश करें, तो बैलेंस तो यहाँ ऑलरेडी है, तो क्या लिखा जाएगा, ए बी सी ए अनुपात बी अनुपात सी क्या 3:4:7, यहाँ मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा
थ्री प्लस फोर प्लस सेवन बाई सेवन, जोड़ देंगे सबको तो कितना हो जाएगा 14 बाई सेवन, कितना कटेगा तो क्या आंसर देगी आपको 2, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर 2 हो जाएगा, आंसर आपका क्या आ जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिखाई दे 1/x, 1/y, 1/z, 2, 3, 5 है, तो एक्स वाई जेड का मान पूछ रहा है, तो हम इसको जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा y हो जाएगा, और इसको जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा जेड, जब LHS पलटता है तो RHS भी पलटता है, तो RHS क्या हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/5। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, अगर हम LHS को पलट देते हैं तो RHS ऑटोमेटिक पलट जाता है, पलटना पड़ता है, तभी 2, 3, 5 बट्टा में दिखाई देता है, बट्टा में दिखाई देता है क्वेश्चन को क्या कहते हैं एलसीएम में, तो 2, 3, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 एलसीएम हो जाएगा, कितना एलसीएम हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 2 से कटेगा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5, 6, 30, 15, 10, 6, और उसके बाद एलसीएम का वैल्यू आपको पार्ट 2 वीडियो में बताएगा, बैलेंस करने के बाद एलसीएम का मान हट जाता है, तो आपका आंसर क्या दे देगा 15:10:6 आपका आंसर हो जाएगी। इसमें अगला क्वेश्चन से ए अनुपात बी अनुपात सी 2:3, 3:4 है, तो यहाँ पर मान को बस रख करके आंसर निकाल देना, तो क्या हो जाएगा 2/3, 3/4, 4/2। इसको हम बैलेंस करेंगे तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना 12, तो क्या हो जाएगा 8, 3 × 4 = 12, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9, 2 × 6 = 12, 6 × 6 = 24। इसके बाद क्या होता है अभी तुरंत एलसीएम हट जाता है, तो क्या आपका आंसर हो जाएगी 8:9:24 आपका क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगी 8:9:24 आपका क्या आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन से यदि ए बी से 40% अधिक है, ए बी से क्या 40% अधिक है, अब बी सी से क्या है 20% कम है, बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात सी का मान पूछा है। चलते हैं, ए बी से 40% अधिक है, देखिए कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 140, आपस में जब कटेगा तो क्या हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कटेगा तो। अब बी और सी का कंडीशन दिया गया क्या कि बी सी से 20% कम है, अगर सी 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा 80, आपस में काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 5। अब आपको दिखाई दे रहा है कि बी का मान यहाँ 5 है, यहाँ बी का मान क्या है 4 है, तो क्या करेंगे बैलेंस करेंगे, इसका गुना इसमें और इसका गुना इसमें, यहाँ 4 से गुना करेंगे और यहाँ कितना से गुना करेंगे 5 से, 4×5=20 हो जाएगा, 7×6=28 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ भी 20 और यहाँ क्या हो जाएगा 25, इस तरह से आप बैलेंस करेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या लिखाएगा 28:20:25, 28:20 क्या हो जाएगा 25, तो आपको आंसर में पूछा है क्या चीज ए अनुपात सी, ए अनुपात सी पूछा है, ए अनुपात सी जब पूछा है तो ए का मान 28 और सी का मान क्या हो जाएगा 25, ये कटेगा नहीं तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन ए अनुपात बी बी अनुपात सी हो तो ए के पावर 4 बी के पावर 4 का मान निकाला, ये क्वेश्चन 9 दिसंबर 2018 को बिहार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन, से आपका आरएस वाल का क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, धीरे समझ सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ए बट्टा बी बराबर बी बट्टा सी, लिख सकते हैं अनुपात को बट्टा में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा गुना करेंगे तीसरा देखिए, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए सी, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए सी, क्या बी स्क्वायर सी, अब यहाँ स्क्वायर है लेकिन यहाँ बी के पावर क्या है 4 है, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करेंगे, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा दोनों तरफ ये बी के पावर 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा क्यों किया सर, क्योंकि क्वेश्चन में बी के पावर 4 दिया था, पावर 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा वर्ग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा वर्ग करना पड़ेगा, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन ए के पावर 4 और बी के पावर 4, तो ए के पावर 4 बी के ज्यों के तो रहेंगे, अभी ये क्या लिखा जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा जाएगा, ए से ए कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा सी स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो क्या हो जाएगा इसको वर्ग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये वर्ग कर देंगे तो बी के पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो आपका ये आंसर होगा। यदि आप वीडियो को अंत तक देखो तो बहुत समझ में आएगा क्वेश्चन, और वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो वीडियो को चैनल पर पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से शुभकामनाएं, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।